सिंगरौली में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ 6 और नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है ये लोग एक संक्रमित मरीज के साथ मुंबई से आए थे। सिंगरौली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। सिंगरौली में चितरंगी ब्लॉक अंतर्गत रमडीहा गांव में 6 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में जो लोग आए थे उनके सैंपल जबलपुर भेजे गए थे। जबलपुर से जो रिपोर्ट आई है उनमें 6 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। यह सभी लोग एक ही गांव के निवासी हैं। कलेक्टर KVS चौधरी ने बताया कि सभी व्यक्ति मुंबई में एक साथ एक रूम में रहकर काम करते थे। फिलहाल सभी की स्थिति ठीक है। कलेक्टर ने रमडीहा और टटरा दोनों गांवों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। जो 18 तारीख को प्रथम कोरोना पॉजिटिव केस जो इस जिला में पाया गया था उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर उससे हम लोग सैंपल लेकर जबलपुर भेजा था। आज जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 और व्यक्ति उसी ग्राम के निवासी रमडीहा ग्राम के निवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस विषय में ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी मुंबई में एक ही रूम में रहकर काम कर रहे थे और साथ में लौटकर आए थे, तो संभावना है कि ये लोग जब मुंबई में काम कर रहे थे उसी समय संक्रमित हो चुके हैं। और एक अच्छी बात ये कि अभी सभी लोग अपने अपने घर पर होम क्वारंटाइन है और किसी कोई लक्षण नहीं है, गंभीर लक्षण किसी को भी नहीं है। लेकिन हम ऑलरेडी इस दोनों ग्रामों को रमडीहा और जो लगा हुआ ग्राम ठटरा ग्राम को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर चुके हैं और लगातार इसमें सघन रूप से चेकिंग कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।